हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कम से कम प्राइस देके अपना होटल बुक कर सकते हो किसी भी डेस्टिनेशन में विद इन इंडिया, वो भी गवर्नमेंट के वेबसाइट के थ्रू। राइट, आपको शायद पता नहीं होगा, इंडिया में जितने भी स्टेट है सबके एक टूरिज्म के डिपार्टमेंट है। शायद पता भी है, शायद पता भी नहीं होगा। राइट, सबके एक वेबसाइट भी है, क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट 99% काम सारे ऑनलाइन होता है। तो उस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो कि किसी भी डेस्टिनेशन में किसी भी डेट में क्या होटल अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है कौन सी होटल, उसका टैरिफ क्या है, उसका रेट्स क्या है। तो सिमिलरली आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किसी भी स्टेट का कैसे आपको चेक करना होगा होटल प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो सारे होटल्स है ये आपके ऑनलाइन अवेलेबल नहीं रहता है, छोटे बड़े सारे होटल्स अवेलेबल रहता है। क्योंकि अगर आप लास्ट मिनट में अगर आप ऑनलाइन चेक करने जाओगे तो काफी एक्सपेंसिव रहता। सो बेटर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हो इन सब होटल का क्या प्राइस चल रहा है। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, सिस्टम के ऑन कर लिया और मैं आ गया गूगल में। तो एग्जाम्पल के लिए मैं हिमाचल प्रदेश का देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ज्यादातर लोग पहाड़ियों में घूमने में बहुत पसंद करते हैं। राइट, तो मैं हिमाचल प्रदेश का ये वाला टूरिज्म का जो वेबसाइट है मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ओपन कर लूंगा कुछ देखने में इस तरह लगता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गोइंग टू, आप कहाँ जाना चाहते हो, हिमाचल, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौसी, जहाँ आपको जाना है सिंपली आपको करना होगा सिलेक्ट। अदरवाइज आप टॉप डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या कौन सा होटल है। बट अगर आपके माइंड में ऑलरेडी प्लान है कि मुझे डलहौसी जाना है तो डलहौसी आप सिलेक्ट करोगे, आप अपने लोकेशन सेलेक्ट करोगे अपने स्टेट के। उसके बाद चेक इन और चेकआउट डेट क्या है, आप किस डेट को चेक इन करना चाहते हैं होटल में। एग्जांपल के लिए कोई भी डेट ले लेता हूँ, 21 अगस्त ले लेता हूँ मैं। और चेकआउट कब करना चाहते हो, 22 ले लूंगा, जस्ट फॉर वन नाइट के लिए मैं चेक करना चाहूंगा। उसके बाद नीचे जो आ रहा है फाइंड होटल्स, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया मैंने। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा सारे डिटेल्स आ गया होटल का। राइट, ये सारे होटल्स देखो, ये सारे होटल्स है, डलहौसी होटल, फिर चंबा, खजीरा होटल्स, ये सब का रेट्स भी यहाँ पे दिखा रहा है 2200 रुपये से 4500 रुपये तक और पर नाइट का है। ठीक है, जैसे आप होटल सेलेक्ट करोगे इसके नीचे और होटल्स यहाँ पे दिखा नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये होटल आपके रेट के हिसाब से सूट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आप होटल सेलेक्ट करोगे, एग्जाम्पल के लिए बोला सेलेक्ट होटल्स, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, होटल का रूम्स, फोटो वगैरह सारी चीज़ आपको दिख जाएगा कैसे आपको चाहिए। सारे सबके अलग अलग रूम्स का अलग अलग प्लान है। इसके बाद आप देख सकते हो 21 तारीख को कितने अवेलेबल है, टोटल रूम्स 9 से और टोटल 9 के 9 सारे अवेलेबल है, 10 रूम के 10 अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद प्लान देखो, ये 2200 रुपये वाला, ये 3100 वाला। अच्छा, ये दिस इज नॉट अ फाइनल प्राइस, इसके बाद डिस्काउंट दिखेगा, मैं दिखाऊंगा, आई विल शो यू। 2200 रुपये पर नाइट हो गया, 3100 हो गया, ये 3200 हो गया, 4000 वाला हो गया। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक ले लेता हूं मैं, जैसे व्यू ऑफर आप कर सकते हो। जैसे व्यू ऑफर करोगे आपको एक दिख जाएगा कि इसमें 40% आपको डिस्काउंट दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं बुक करने जाऊंगा इसमें टैक्सेस आपको एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें बुक करता हूं मैं, बुक नाउ, जैसे मैं बुक नाउ करूंगा मैं, इसमें बाकी डिटेल्स मुझे मांगेगा कि आपके नेम क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपके ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि जिसके थ्रू आपके पास इनवॉइस वगैरह आएगा, सारी डिटेल्स आएगा। इनका सारा फोन नंबर भी है, आप चाहो तो इनको फोन भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा आ रहा है होटल का नाम और रूम टाइप कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा आपको यहाँ पे टोटल रूम मतलब कितना रूम चाहिए, 2, 3, 4, हाँ जितना रूम अवेलेबल है उतना आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 1 डाल देता हूँ मैं, और चेकआउट डेट हो गया 22, तो वन नाइट के लिए डिस्काउंट ऑफर करके मैं एक बार चेक कैलकुलेट करता हूँ टैरिफ कितना बनता। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे डिटेल्स आ गया, मेरा पहले जो प्राइस था 4000 रुपीज, डिस्काउंट मुझे 40% मिल गया, 1600 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद मेरा जो प्राइस बनता है 2400 और उसके ऊपर GST 288 रुपीज, और जो फाइनल पेएबल अमाउंट है पेमेंट करना होगा मुझे 2688 रुपीज फॉर वन रूम वन नाइट दो बंदे के लिए। और बाकी सारे डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा होगा, अगर कोई बच्चा, अगर चिल्ड्रेन 7 बच्चों से नीचे होगा कोई चार्जेस नहीं लगेगा, 7 साल से ऊपर होगा तो 25% एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। और अगर आपको पेमेंट करना है, इनफैक्ट टू बुक करना है, आप सिंपली अपने डिटेल्स डालोगे, कस्टमर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेमेंट मोड क्या होगा, सारी चीज़ें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे मेक पेमेंट करके अपना यू नो बुक कर सकते हो अपना होटल का।
सो दिस इज द वे बेसिकली किसी भी स्टेट का आप बुक करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज कि जरूरी नहीं कि हर कोई आप लोग हिमाचल को आते जाओगे, किसी को गोवा आना है, किसी को मुंबई, किसी को दिल्ली, तो कैसे होगा? इसके लिए आप ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट्स हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे रखा, मैं ये लिंक को मैं अभी कॉपी में डाल दूंगा. इन सारे के सारे स्टेट का ये टूरिज्म का वेबसाइट URL है. अब क्लिक करने के बाद सिंपली वहां जाके सेम प्रोसेस में वो होटल सर्च कर सकते हो, राइट? सो छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने काफी R&D करके मुझे मिला था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, शायद आपके कभी काम पे आ जाएगा. क्योंकि अदरवाइज ऐसे ऑनलाइन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है होटल बुक करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है एकदम लास्ट मिनट अगर बुक करने जाओगे तो होटल आपके पास अवेलेबल नहीं रहता, राइट? तो इन दैट केस दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. ये फर्स्ट ऑप्शन एज पर योर चॉइस. अब देख सकते हो अगर आपको प्राइस और रूम के स्टैंडर्ड या जो इमेज वगैरह देखे अगर कुछ सुइटेबल लगेगा तो. बाकी होटल का वहाँ पे फोन नंबर वगैरह ऑलरेडी है, आप चाहो तो वहाँ कॉल कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. बेसिकली वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी. थैंक यू.